हेलो गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल दिली फैम। तो गाइज, आज हम लोग जा रहे हैं भाई चांदनी चौक। मम्मी को अपना लहंगा वहंगा ठीक कराया है और मुझे लेनी है भाई ड्रेप साड़ी, और मैंने सुना वहाँ पे बहुत अच्छी कलेक्शन है, तो फटाफट चलते हैं। लेट्स गो। तो गाइज, हम लोग पहुँच चुके हैं भाई चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन। अब फटाफट बाहर चलते हैं, पहले तो आपको दिखाते हैं यहाँ आज कितनी भीड़ है चांदनी चौक में। शायद ज़्यादा तो होने नहीं चाहिए क्योंकि आज मंडे है। लेट्स सी, लेट्स सी। ये तो बहुत ज़्यादा डेवलप कर दिया चांदनी चौक को भी, पर ये है कि मेट्रो से निकल के हमें जिस शॉप पे जाना है वहाँ एक्चुअली बहुत दूर है, तो बहुत लंबा चल के जाना पड़ेगा हमें। भाई यहाँ पे पहले तो वही थी, होटल होती थी, इतनी भीड़ होती थी और हमें बाहर साइड पार्क से जाना पड़ता था, पर यहाँ पे अब सिस्टम बहुत अच्छा बन गया है। अभी तक यही लहंगों का ट्रेंड चल रहा है क्या? अभी तक यही चल रहा है, चेंज नहीं हुआ तब से। ये भाई फेमस नटराज के भाई बल्ले और टिक, ये दुकान कभी बड़ी नहीं है। अरे ये भाई जब से निकले हैं तब से रास्ते में 36 चीजें गिनवा दी हैं। ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है, वो भी लेना है। अभी तो आए हैं, मार्केट में घुसे ही हैं, लिया तो कुछ नहीं है। मम्मी रुक गया परांदे लेने के लिए। ये देखिए मम्मी, परांदे तो नहीं, तो वो लग रहा है हेड गियर जो चोट में लगा दिया। नहीं तू कहना ऊपर है ना। सुंदर सुंदर, मैंने ऑनलाइन मंगाया था। और छोटी छोटी लड़की एक इतना खाली कैसे है ये? चलो चलो। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं मतलब दुकान के पास, कम से कम ऐसे लग रहा है आधे घंटे से चल रहे हैं। ये तो मेहंदी और हल्दी के सेट है, शगन के लिफाफे ले लो, हमारे खत्म हुए हैं। बड़ी दुकानों से ज्यादा छोटी दुकानों पे भीड़ है ना, जो छोटी छोटी चीजें डिटेल वाली चीजें होती हैं। अरे ये डॉक्टर, अभी भी यहाँ पे से रेडियां चलती हैं भाई। ये छोटी छोटी दुकानें होती हैं, मतलब एक ही जना खड़ा हो सकता है, पर लंबी लंबी। छोले भटूरे, भाई हर जगह जय श्री राम की झंडे हैं इधर तो। गाइस हम लोग पहुंच गए शॉप पे, मम्मी को लहंगा ऊंचा कराना था यहीं से, तो फटाफट उधर आते हैं और फिर मैं जो लेने आई हूँ मैं आपको। तो गाइस अभी मम्मी का जो लहंगा है वो तो ऊंचा होने गया है, तो इतने हमने सोचा कि हम थोड़ी से जो नया क्या चल रहा है वो देख लेते, क्योंकि हमारे घर में आ रही है भाई बहुत सारी शादियाँ, बहुत सारे फंक्शन। तो भाई देखो कितनी सारी आपको यहाँ पे डिजाइन दिख जाएंगे ड्रेप साड़ियों की। ये सारी ड्रेप साड़ी है, तो इनमें फर्क बस ये होता है कि हमारे ब्लाउज अलग अलग डिजाइन के हो जाते हैं, जितने डिजाइन के ब्लाउज होते हैं, क्योंकि प्लेन ड्रेप साड़ी जैसे ये है नीचे से सिंपल ही आती है। ये देख लो, ये भी अच्छा लग रहा है। मुझे मैंने इतनी सारी भैया साड़ियाँ दिखा दी, उसमें से मुझे मैंने दो तीन ऐसे करी है सेलेक्ट। तो एक मुझे ये बहुत अच्छी लगी क्योंकि इसका ब्लाउज बहुत अच्छा है और इसका कलर काफी डिफरेंट है। तो वही भी एक मेरे को ब्लैक साड़ी बहुत पसंद आई है। ये थोड़ी डिफरेंट है, ये थोड़ी फ्रिल फ्रिल वाली टाइप की है। उस कपड़े का क्या नाम था, किसका? ग्रीन वाले कपड़े का, बैलून लाइक्रा। ये क्या, ये क्रश में वो थी बलून लाइक्रा में।
ये वैसे बहुत अच्छी लग रही है, जो लड़कियां पतली होती है ना वो पहन सकती है। और मेरे को इसमें थोड़ा मैं इसे मूड मूड लग रही हूँ क्योंकि क्रश में है ना, तो ये थोड़ी खड़ी खड़ी है इसलिए। पर एक दो और है वो मैं देखती हूँ पहन के, ऊपर से दाती है। चलो अब इसमें एक और कलर है ये वाला, क्योंकि आज मेरे पास पिंक पीच और पर्पल बहुत सारे हो गए, अब मैं थोड़ा डिफरेंट कलर पहनूंगी। तो ये कलर मुझे बहुत डिफरेंट लग रहा है, सी ग्रीन है ना, ये टाइप है। और इसका एक्चुअली ब्लाउज भी काफी डिफरेंट टाइप है, एकदम ही फिटेड आया है। कौन से कलर है ये जो ऐसे थी वो पीछे अच्छा, हाँ ये भी अच्छा लगेगा। दोनों तरीके से ये अच्छा लग रहा है, ये ब्लाउज अच्छा लग रहा है, साड़ी अच्छी लग रही है, साड़ी भी ले लिया है ये वाला, क्योंकि मेरे को इसका इसका क्या फिनिशिंग है ना साड़ी की अच्छी लग रही है, साड़ी लग रही है। बाल बाद में खोल लेते, पर ये ब्लाउज पूरा है फिर नीचे तक एक ही साइज में, मतलब इसे कोई थोड़ा सा हैवी लेना चाहे वो नहीं ले सकता है। नहीं वो नया पीस बन जाता है ऐसा, तो अच्छा बनते नहीं है इतने सारे, आपके भी बने कितने लहंगे लेके गए आप गिनती दिखा रहा जी, देखो सबसे बेस्ट लग रहा है मुझे स्कर्ट लहंगा, स्कर्ट साड़ी, मतलब लहंगा भी लग रहा है, साड़ी भी लग रही है, इंडो वेस्टर्न भी लग रहा है। नहीं ये मुझे सबसे अभी तक मैं बेस्ट पार्टी हो गया है, जैसे लहंगे के लिए पूरा सिलवाना पड़ता है, अब मुझे सिर्फ ब्लाउज की फिटिंग करानी पड़ी। ये सबसे अच्छा लगा भैया, ही करके दे देंगे ना फिटिंग के ब्लाउज की, नहीं लहंगे की करके देते हैं बस, इतने टाइम से आ रहे हो मैं आपको पता ही नहीं पता, तो ब्लाउज कभी करवाया नहीं ना हमने, ब्लाउज के कभी हुई नहीं हुई बात। हाँ जो वो वाला ग्रीन देखा था एकदम सेम पैटर्न में, ये रेड है पर मुझे रेड भी अच्छा लग रहा है, पर ओवर तो नहीं लगेगा ओकेजन के हिसाब से, नहीं ना रेड इज वैसे मेरा फेवरेट कलर, और मेरे पास रेड कुछ ऐसा है नहीं। मुझे याद है जब मैं छोटी थी तो मेरा जो एक फर्स्ट गाउन था ललित भाई की शादी पे, की शादी पे सेम यही कलर का था, एग्जैक्टली सेम। युद्ध पे जा दिखाइयो, साड़ी अच्छी लग रही है लेकिन इसकी देखो, अगर मैं इसमें डांस करूंगी अच्छा वो मत कर, जो वो करना फाइनल कर ले, टाइम नहीं है इतना।
कलर तो अच्छा लेकिन ब्लाउज अच्छा नहीं, एक्स्ट्रा सा लग रहा है कुछ। गाइस मैंने अपनी साइड जो भी मुझे पहनना है, क्या पहनना है वो मैं फंक्शन में बताऊंगी आपको, पर वो गले मैंने फाइनल, तो आपको इनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगी वो कमेंट करके जरूर बताएं। इस शॉप पे भाई हर एक टाइप के लहंगे ब्राइडल से मतलब सस्ते सस्ते महंगे से महंगे लाखों लाखों वाले भी मिल जाएंगे आपको, लहंगे हर टाइप के लहंगे मिल जाएंगे और हर टाइप की साड़ी इंडो वेस्टर्न मतलब क्या वैरायटीज, हर वैरायटी की चीज़ आपको मिल जाएगी, हर एक रेट पे आपको मिल जाएगी। जब हम लोग आ गए भाई साड़ी के सेक्शन में, ये मम्मी ने स्पेशली निकलवाई है बांधनी जयपुरी स्टाइल में। ये कहाँ कहाँ से ढूंढ के ला रहे हो आप, ये जयपुरी स्टाइल, ये स्टाइल वो स्टाइल? बेटा ये तो बहुत पुराना स्टाइल है, ये तो सदाबहार स्टाइल है, ये स्टाइल कहीं नहीं जाता। ये कलर कोई भी हो, अंदर ये जो डायमंड है ये येलो और ग्रीन ही रहेंगे। साड़ी में येलो ग्रीन है, बांधने में यही चलता है, उसमें भी येलो ग्रीन है। और कपड़ों के लिए अलग फ्लोर है, पूरे फ्लोर पे बहुत सारी साड़ियाँ हैं, बहुत सारी अलग अलग रेंज की, हर टाइप की लेन देन की पहनने की साड़ी, ब्राइडल हर टाइप की साड़ी मिलेगी। जो खांचे खांचे बने हुए हर एक टाइप की साड़ियों के, ये देखो ये प्योर सिल्क की ब्लैक साड़ी और इसको देख के मम्मी पगला कर वाओ वाओ ब्लैक कलर वाओ, मम्मी कह रही है गेट पे हम वही लेनी है, मुझे वही चाहिए ब्लैक कलर वाओ। ब्लैक कलर की तो मैं बहुत दिन से सर्च कर रही हूँ, मम्मी को अचानक से जाते जाते लिफ्ट के पास दिखी, ये सिल्क की साड़ियाँ हैं, ये प्योर सिल्क की साड़ियाँ हैं। भाई कितने सारे सुंदर सुंदर लहंगे हैं, अच्छा लग रहा है ना ब्लैक भी। बिल हमारा आ गया है, ये लो एड्रेस। मम्मी को जितनी साड़ियाँ जितने सूट रखे हैं जितने लहंगे रखे सब कह रही अच्छा अच्छा। सिर्फ ब्लाउज की दुकान एक साइज बड़ा है तो दे दो क्योंकि चूड़ियों के रश पड़ी थी उसके। आपकी रास्ते में ज्यादा ज्यादा नजर कैसे पड़ती है सभी लोगों को? ब्राइट है ये, सेम ही है। आप अपनी साड़ी से मैच की लो ना, सेम ही है। मुझे में आलम में गजब गजब ब्यार सदा प्यार का मुझे में ये छोटी है क्या? ₹200 डिस्काउंट। भाई इतनी लंबी लाइन लगी हुई है हमारे नटराज दही हलवे को, अब आगे नटराज के दही बनने और भी जो कि बहुत फेमस है
वैसे तो, लेकिन वैसे तो वर्द है नहीं, पर कितने की है ये? 70 rupees ईच। अच्छा, इतनी ज्यादा मछली तो नहीं लग रही, नहीं क्योंकि इसमें ना कोई सलाद ना पत्ता गोभी। जो हमें खाने की आदत है, पनीर का पीस भी BTW की खाते हैं ना, टमाटर भी प्याज भी सब चाहिए। BTW की टिक्की बेस्ट है, पर ठीक है भाई, नाम है तो चल रही है और खा रही हूँ। और यह टिक्की जो कि तोड़ के भी नहीं दी वो है जो हमने, जब मेरी शादी हुई थी तो हमने 20-20 rupees की खाई थी, तब भी महंगी थी उस टाइम तो, 20 भी महंगी थी। तो गाइस आपको आज का हमारा ब्लॉग कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं। मेक श्योर टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द दिलीप फैम।